जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह दो कारण देगा कि मेरी किस्मत खराब थी, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। समस्या से निपटना है तो उसका हल ढूंढो, बहाने नहीं। जब तुम्हें प्रेम करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे, तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय आने का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा, क्योंकि रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतज़ार किया। क्या लिखूं अपनी ज़िंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीद ने भी मजाक किया। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊँगा, पर जब तक मैं नीचे हूँ तुझे ऊपर लेकर जाऊँगा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो आधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को ज़रूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे चलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। ये पांच चीज़ें अभी से अभी छोड़ दो, ज़िंदगी में बहुत सुखी रहो। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, ज़िंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, माता पिता का हाथ पकड़कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कद्र कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज़्यादा हैं। मैंने अक्सर देखा है, जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना होता है, तब सबसे पहले वह अपनी ज़ुबान की मिठास ख़त्म कर देता है। ताकत और पैसा ज़िंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र ज़िंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। लाख किसी को प्यार दे दो, पर जिसने धोखा देना सीखा है वह धोखा ही देगा। तारीफ करने वाले
बेशक आपको पहचानते हैं, मगर फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन में गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, उन सबसे आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रह पाओगे। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं, हौसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वह मदमस्त होते हैं। किसी की नज़रों में कभी मत गिरना, क्योंकि माफ़ करने वाला इंसान तो माफ़ कर देता है, लेकिन उसके दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं रहता। रिश्ते तो बहुत होते हैं, पर जो दर्द बांटने लगे वही असली रिश्ता है। प्रेम और विश्वास कभी मत, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं हो और विश्वास हर किसी पे नहीं हो। जब कोई दूसरे से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है। ये बात याद रखना, कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो वो राजा को भी भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। तारीफ वो धोखा है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, पर खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा सा भरोसा और वक्त पर भी किया करो, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे चेहरे को एक ना एक दिन बेनकाब कर देता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ सुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, फिर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाएं, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर मत गिरना। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बनाओ, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले लोग ज़्यादा हैं और निभाने वाले लोग कम हैं। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रात में जंग जीती सूर्य बनकर वही ऊँग निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाई, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छापते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान।
अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुराता तो जीतने वाले भी जीत की खुशी खो देता है। ये मुस्कान की ताकत है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम को सलाम करती है, कोशिश को नहीं। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान होता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर के अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण से अगर सोना बनाना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो मिला उसमें ही खुश रहना सीखो। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं, दुनिया में एक समान कोई नहीं होता। दूसरे का सुख देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। लोग इतिहास तो रच नहीं पाते, इसलिए साजिश रचते हैं। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। कुछ लोग आपसे ही सीखकर फिर आपको सिखाते हैं। मंदिरों में क्यों ढूंढते हो उसे? वो तो वहाँ भी है जहाँ तुम गुनाह और अपराध करते हो। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ही ना होने दी? खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो किसी को इतना कि उनको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास है ना, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। आप चाहे 100 काम ठीक करो, लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। जो लोग तुमसे ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, असल में उनकी खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है वो उसका भी नुकसान करता है। ज़रूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तो किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद उसकी बातें सताती है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप चाहे कुछ भी ठीक ना हो, पर सब कुछ ठीक है ये कहने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसास की ज़रूरत हो। समय बताने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे। तूफान का आना भी ज़रूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है और ना ही झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, उन्हें निभाने का शौक है।
दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड से शुरू करनी है जिंदगी, जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हो, तब लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगा। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। किसी आदमी को अगर गायब करना है तो उसे पैसा उधार दे दो। लोग आपके अंदर आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं, इसलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुरा ही देखेगा। जीवन में कई बातें समझाने से समझ में नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखना छोड़ दो। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो इसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना। छोटी सी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को आप इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ो सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज़्यादा दुखी अपनों का परायापन करते हैं। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ज़रूरत में वो ज़्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। एक बात हमेशा याद रख, बातों से ज़्यादा आपका काम बोलता है। किसी का बहुत दिनों के बाद मैसेज आए तो रिप्लाई भी बहुत दिनों के बाद ही करना। दर्द से बाहर आने के लिए कुछ रिश्तों को मन में ब्लॉक करना पड़ता है। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, बल्कि आपके जूतों में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोक। निकाल फेंको उन कंकड़ों को, सिर्फ मरी हुई मछली पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखता है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छे सोच, मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा अपने कान बंद करो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ चार दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ तारीफें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी ज़रूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धन। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरे को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफ़र के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नज़र भी क्या चीज़ है, ये उसी को ढूंढती है जो इसे नज़रअंदाज करता है। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करो तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती, जब दिल एक दूसरे के लिए वफादार हो। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो समझने में बहुत वक्त लगता है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था, जहाँ पर वह रोज़ सुबह जाता, वहाँ पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर वापस आ जाता।
तो रोज की तरह वह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूँगा। उसने पहले तो थोड़ा समझाया और मना किया, कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर भी जब उस बेटे ने जिद करी तो पिता मान गए। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ थी और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आते जाते थे तो उसको पता था कि वहाँ पर पत्थर है, तो वो साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जा कर के उस बड़े से पत्थर से टकराया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही वह चीखा उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ा सा घबरा गया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उसने पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है, कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है। तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और ज़ोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसको तंग कर रहा है, उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता ने अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उसका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है पिताजी। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे ही तुम बोलते हो ठीक वैसे ही तुम्हें सुनाई देती है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो वो आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी होती है। जैसा तुम अपने मन इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से ये बोलते रहो कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी और फिर वह बच्चा खिलखिला कर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।